हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार आप सभी को। तो आज की हमारी रेसिपी है चॉप मसाला, जो हम होटल और रेस्टोरेंट में बना के रखते हैं फ्रेंड्स, और हम इसको 5 से 6 दिन तक अच्छे से फ्रिज में स्टोर करके रखते हैं। तो आप भी इस तरह के साथ चॉप मसाला अपने घर पे बना सकते हो फ्रेंड्स। इसको बनाना बहुत ही आसान है और आप इसको बनाओगे तो होटल जैसी सारी रेसिपीज अपने घर पर बना पाओगे फ्रेंड्स। तो देखिए, यही वो चॉप मसाला है जो आज हमने बनाया फ्रेंड्स। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, हमने यहाँ पे अच्छी क्वालिटी के 1.5 केजी टोमेटो लिए फ्रेंड्स, और हमने इसको पानी में डाल के रख दिए थे। उसी के साथ हमने 2 केजी प्याज लिए फ्रेंड्स, इनको भी हमने पानी में डाल के रख दिए। तो हम इसको चॉप कर लेंगे। तो देखिए, टोमेटो को आपको इसी प्रकार से चॉप कर लेना है। उसी के साथ देखिए, हमने 2 किलो प्याज को भी अच्छे तरीके से चॉप कर दिया फ्रेंड्स। और उसी के साथ हमें कुछ होल स्पाइसेस लगेंगे, जिसमें इलायची, बड़ी इलायची, करमपुर और तेजपत्ता। तो सबसे पहले हम कड़े में ऐड कर लेंगे कुकिंग ऑयल। तो कुकिंग ऑयल आप अपने प्याज की क्वांटिटी के हिसाब से ले सकते हो। तो जैसे ही हमारा कुकिंग ऑयल अच्छे से हीट हो जाए, हम इसके अंदर ऐड कर लेंगे खड़े मसाले और उनको अच्छे तरीके से तिड़कने देंगे, ताकि जो इनका टेस्ट है फ्रेंड्स वो बिल्कुल अच्छे तरीके से एक्टिवेट हो जाए। उसके बाद हम इसके अंदर ऐड कर लेंगे चॉप प्याज। देखिए, और चॉप प्याज को आपको बिल्कुल गोल्डन टू ब्राउन तक अच्छे तरीके से पका लेना है। तो आपको प्याज को बिल्कुल 10 से 15 मिनट तक अच्छे तरीके से पका लेना है। देखिए, तो फ्रेंड्स, आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि जो होटल से रिलेटेड वीडियोस है ना, आपके पास सबसे पहले पहुंचे। देखिए, तो आपको बिल्कुल इसी प्रकार से प्याज को पका लेना है। जब तक प्याज का कलर चेंज नहीं होता फ्रेंड्स, तब तक आपको प्याज को अच्छे से पका लेना है। तो हमने 2 केजी प्याज और 1.5 केजी टोमेटो लिए फ्रेंड्स। देखिए, तो हमारे प्याज बिल्कुल अच्छी तरीके से 80% तक पक चुके हैं फ्रेंड्स। तो देखिए, ये हमारा प्याज बिल्कुल अच्छे से पक चुके हैं। तो हम इसके अंदर ऐड कर लेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट, और इसको भी बिल्कुल 5 मिनट तक अच्छी तरीके से पका लेंगे। इसके बाद हम इसके अंदर ऐड कर लेंगे 1 टीस्पून हल्दी पाउडर और 1 टीस्पून नमक, और उसके बाद देगी मिर्च पाउडर। तो आपके पास देगी मिर्च पाउडर अवेलेबल नहीं है तो आप इसके जगह लाल मिर्च पाउडर भी ले सकते हो। और इनको बिल्कुल अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद हम इसके अंदर ऐड कर लेंगे चॉप टोमेटो। तो आपको टोमेटो को अच्छी तरीके से चॉप कर लेना है, और देखिए बिल्कुल इसी प्रकार से आपको मिक्स कर लेना है, और टोमेटो को आपको गलने तक पका लेना है। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारे चॉप मसाले में काफ़ी अच्छा कलर आ चुका है। तो हम इसको और अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और बिल्कुल 5 मिनट तक पका लेंगे। तो एक एक खास प्रकार की ग्रेवी रहती है फ्रेंड्स, हम जो हम होटल में बना के रखते हैं। तो देखिए, ये हमारा चॉप मसाला, ऑनियन टोमेटो मसाला बिल्कुल रेडी हो चुका है। देखिए इसका कलर, देखिए फ्रेंड्स इसका टेक्स्चर देखिए। तो अगले नेक्स्ट वीडियो में आपको इसका यूज करना बताऊँगा फ्रेंड्स। देखिए, इसमें कलर काफ़ी अच्छा आ चुका है। तो आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं हमारे अगले रेसिपी में, तब तक के लिए धन्यवाद।